Hey guys, I welcome you all to yet another lecture on anthropology lecture series. So now in this series, I've skipped 1.3 because we have already covered that part in our introduction videos, day 1, day 2, day 3. So, anything, any doubt you will, if you see those videos again, aapka clear ho jayega. And also let's first focus on the important topics now. जो 1.3 का पार्ट है वो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द फर्स्ट वीडियो सो प्लीज़ वॉच दैट एंड कम बैक टू दिस वीडियो सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड 1.4 नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज यहाँ से हमारा सिलेबस की वेटेज इट इंक्रीजेस एंड ह्यूमन एवोल्यूशन हाउ ह्यूमन इवॉल्व दिस इज़ द पार्ट ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी दैट इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी में अगर कुछ स्टडी होने लगी थी या कोई सब ब्रांच इवॉल्व हुई थी ना दैट वॉज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमन की एवोल्यूशन एंड वेरिएशन को स्टडी करता था नाउ एवोल्यूशन क्या होता है वी शुड फर्स्ट नो एवोल्यूशन क्या है एवोल्यूशन होता है किसी भी चीज़ का चेंज उसमें ओवर टाइम कैसे चेंज आता है क्या अडेप्टेशंस होते हैं तो ह्यूमन एवोल्यूशन डेट्स बैक टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स ऑफ कोर्स राइट क्योंकि जब जैसे मान लो हमारी यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस देन गैलेक्सीज बने सोलर सिस्टम बना अर्थ बना एट्सेट्रा द बिग बैंग थ्योरी एंड ऑल ऑफ दैट उसके बाद कहीं ना कहीं लाइफ का ओरिजिनेशन स्टार्ट हुआ ऑन अर्थ राइट सो उसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज थी सो दिस इज ऑल्सो द बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन ओके सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि जैसे कि जब लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई इस पर बहुत सारे थिंकर्स ने पुराने टाइम पे इन द 18th-19th century अपनी थ्योरीज दी थी राइट सो जब भी थ्योरी ऑफ डिवाइन क्रिएशन या स्पेशल क्रिएशन आई ना तो बेसिकली ये वो टाइम था जिसको हम डार्क एज ऑफ साइंस बोलते हैं या फिर जो रेनेसां का बिफोर द रेनेसां पीरियड तो इस टाइम पे क्या था कि रिलीजन हैड अ बिग रोल टू प्ले ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ राइट तो उसमें क्रिश्चियनिटी में बिलीव किया जाता था कि यूनिवर्स या लाइफ एवरीथिंग वाज क्रिएटेड बाय गॉड ठीक है कि जैसे 6th day पे जब अर्थ बनी थी तो उसके 6th day पे मैन मतलब ही गॉट बर्थ और 7th day पे वुमन आ गई थी ठीक है सो ऐसे ऐसे व्यूज थे एंड अरिस्टोटल का भी उस टाइम पे ऐसा ही मानना था कि कहीं ना कहीं ये जो अर्थ है या लाइफ है ये इट्स क्रिएटेड बाय गॉड इन एवरी कंट्री दिस माइथोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज देयर जैसे हम अपने इंडिया में भी देख ले इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया देख ले तो पद्म पुराणों में कहा गया है जो 10 अवतार का कॉन्सेप्ट है ना जैसे सबसे पहले मत्स्य आई मत्स्य मीन्स फिश उसके बाद कुर्मा इज टॉर्टाइज वैसा कुछ देन वराहा नरसिम्हा देन लास्ट में बलराम कृष्ण भगवान सो इस तरह से From a fish to the journey of being a tortoise, animal, human like, bow and arrow wala kuch Ram, theek hai, Balram, plow wale, and Krishna Bhagwan pastoral. To is tarah se ye origin of life, ye hamare every country, every civilization, be it Babylon, be it Egypt, China, every civilization had this kind of a theory in mind for कि लाइफ कैसे आया होगा ठीक है सो आफ्टर दैट मैनी रिफ्यूटेड इट जब भी हमारा ये जो डार्क एज ऑफ साइंस ख़त्म हुआ सो मैनी रिफ्यूटेड इट तो उन्होंने बोला कि इट वॉज स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब थेल्स ने बोला कि वाटर में लाइफ फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुई थी ठीक है तो ज़ेनोफेन्स वो ही वॉज दैट पर्सन जिन्होंने कहीं ना कहीं ही पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन कि एवोल्यूशन होता क्या है बेसिकली उन्होंने ये वर्ड नहीं बोला था लेकिन कहीं ना कहीं इनका आइडिया जो था ना एवोल्यूशन का वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था कि ओवर द टाइम जब बहुत ज़्यादा बारी
यू नो रिप्रोडक्शन होगा तो एवोल्यूशन होगा, समथिंग लाइक दिस. ओके, एंड अरिस्टोटल ने बोला कि इनऑर्गेनिक स्टेट, जैसे कि यू नो इनऑर्गेनिक हवा पानी यू नो, उससे लाइफ जनरेट हुई. तो पहले कुछ प्लांट्स आए होंगे, देन कुछ प्लांट एनिमल लाइक स्पीशीज आए होंगे, एंड उसके बाद एनिमल्स आए होंगे. सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि यू नो पहले एवोल्यूशन के आइडियाज, ऑफकोर्स साइंस वॉज नॉट डेवलप्ड इन अ डे, राइट? साइंस हैज इवॉल्व्ड, एवरीथिंग हैज इवॉल्व्ड, राइट? इवॉल्व क्या होता है? यू नो यू गेट बेटर, यू अडैप्ट बेटर, राइट? दैट इज वॉट एवोल्यूशन इज ऑल अबाउट. सो जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसके बारे में भी कुछ ऐसे थॉट्स थे पहले. इट ओनली बिकेम बेटर व्हेन यू नो मोर साइंटिफिक स्टडीज हैपन. ओके, सो ह्यूमन एवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ मैन फैक्टर्स. नाउ दीज फैक्टर्स, ये अब नाउ हेयर फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा साइंटिफिकली हमने उसको समझने की कोशिश की कि ओके जो एवोल्यूशन है दैट इज़ नॉट कि गॉड ने क्रिएट किया या ऐसे वैसे. ये इंटरैक्शन ऑफ जीन्स है और कल्चर है. दैट मीन्स उन्होंने दो बातें करी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट, कि जो एवोल्यूशन है दैट इज़ बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल मतलब हमारे फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी, एंड कल्चरल दैट मीन्स कल्चर के वजह से भी कुछ चेंजेस ह्यूमंस में आए हैं, दैट पार्ट. ओके, सो ह्यूमन एवोल्यूशन को आप बायोकल्चरल एवोल्यूशन बोल सकते हैं. नाउ इसकी एग्जाम्पल अगर मुझे देनी हो तो आई विल टेल यू. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमें पता है यू नो ह्यूमंस जब भी यू नो दे डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम बीइंग एन एप लाइक स्पीशीज, तो क्या हुआ था बेसिकली? सबसे पहले ह्यूमन स्टार्टेड वॉकिंग ऑन देयर फीट. दैट मीन्स फ्रॉम बींग क्वाड्रुपेड स्पीशीज दे बिकेम बाईपीडल. बाईपीडल मतलब दो पैर पे चलने वाले, क्वाड्रुपेडल मीन्स फोर मतलब हैंड्स एंड फीट यूज करने वाले. तो जब उन्होंने व्हेन दे शिफ्टेड फ्रॉम बींग क्वाड्रुपेड टू बाईपेड, सबसे पहला डिफरेंस क्या हुआ? उनके हाथ फ्री हो गए, यू नो देयर हैंड्स गॉट फ्री. सो दे स्टार्टेड यू नो डूइंग फिजिटिंग विद देयर हैंड्स, दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स, दे स्टार्टेड यू नो यूजिंग देयर हैंड्स फॉर अदर पर्पज दैन लोकोमोशन. यू नो लोकोमोशन मतलब चलना, पहले वो चलते थे तो ऑब्वियसली दे कुड नॉट डू एनीथिंग विद देयर हैंड्स, वो सिर्फ लोकोमोशन में यूज होते थे. बट नाउ दे कुड यूज देयर हैंड्स फॉर अदर थिंग्स. सो व्हेन दे स्टार्टेड टू यू नो यूज देयर हैंड्स टू मेक टूल्स या एनीथिंग, उनके ब्रेन की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई, राइट? सो फ्रॉम दैट वे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन स्टार्टेड टू टेक प्लेस. ओके, एंड कल्चरल एवोल्यूशन कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल, जब इन्होंने टूल्स बनाए, ठीक है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका यू नो फ्रंटल ब्रेन जो है यू नो उधर इफेक्ट पड़ा, दैट गॉट एनलार्ज्ड, राइट? उसके बाद लैंग्वेज आई, स्पीच आई, तो उससे जो हमारे ब्रेन के मतलब जो ब्रोकाज एंड वर्निक्स एरिया थे यू नो दे गॉट डेवलप्ड. सो दैट वेज यू नो जब दे यूज टू हंट, तो उसके लिए उनको यू नो दे हैड टू कवर न्यू एरियाज, यू नो दे हैड टू रिमेंबर द पाथ दे आर गोइंग, बिकॉज अगर जंगल में यू नो देर आर सो मैनी एनिमल्स, ईदर यू गेट किल्ड और यू किल, राइट? सो जब इन्होंने यू नो दे स्टार्टेड टू मेक स्ट्रैटेजीज की हाउ टू ट्रैप द एनिमल्स एंड द बिग गेम्स. बिग गेम्स मीन्स बिग एनिमल्स, क्योंकि एनवायरमेंट वॉज ऑल्सो चेंजिंग. देर वॉज आइस एज, देन देर वॉज वार्मर एराज. सो एवरी टाइम ह्यूमंस सर्वाइव्ड बिकॉज दे गॉट बेटर विद देयर थिंग्स, राइट? हाउ डिड दे गेट बेटर? दे गॉट बेटर बिकॉज दे स्टार्टेड टू स्ट्रैटेजाइज. उन्होंने समझने की कोशिश किया कि ओके एनिमल्स का बिहेवियर कैसा है, यू नो विच एनिमल्स बिहेव लाइक दैट. उसके लिए ब्रेन के डेवलपमेंट की जरूरत थी. एंड यू नो टू हंट अ बिग एनिमल वो अकेले नहीं कर सकते थे. बींग पिटीट इन फ्रंट ऑफ दोज बिग बिग एनिमल्स, दे हैड टू कम इन टू अ ग्रुप. सो दैट कमिंग इन टू अ ग्रुप एंड कोऑर्डिनेटिंग रिक्वायर्ड सर्टन लैंग्वेज. सो ऑल ऑफ दैट हैपन्ड यू नो टूगेदर. तो लैंग्वेज क्या है? दैट इज कल्चर का पार्ट. कोऑर्डिनेशन क्या है? कल्चर का पार्ट. ग्रुप बिहेवियर क्या है? कल्चर का पार्ट है. उससे ब्रेन की डेवलपमेंट होना,
या फिर उससे इरेक्ट पॉस्चर आना, ये सब क्या है? बायोलॉजी का पार्ट. सो दैट इज वॉट ह्यूमन एवोल्यूशन इज ऑल अबाउट. इट्स बायोलॉजिकल एंड इट इज कल्चरल. सो यू कैन नेवर से ह्यूमन एवोल्यूशन हैपन ओनली बायोलॉजिकली. इट वॉज बोथ अ बायोलॉजिकल एज वेल एज कल्चरल फिनोमिना, राइट? सो नाउ वॉट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन केम अप विद डार्विन. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एवोल्यूशन की बात प्योरली साइंटिफिक वेज में हो रही थी, बिकॉज दिस टाइम नाउ द स्टडी हैज़ बिकम मोर मतलब लाइक एविडेंस बेस्ड. ठीक है, तो इसके आगे जो है हम साइंटिफिकली बात करेंगे. तो डार्विन ने बेसिकली क्या बोला, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है? इट इज़ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्पीशी वन. ओके, दिस स्पीशी हैज़ ओवर द टाइम यू नो गिवन बर्थ टू स्पीशी टू. दिस स्पीशी हैज़ गिवन बर्थ टू स्पीशी थ्री एंड ओवर द ईयर्स आप लगा लो स्पीशी 100. ठीक है, सो नाउ दिस स्पीशी 100 विल बी अ लॉट मोर बेटर देन स्पीशी 1. ओके, बिकॉज एट द टाइम ऑफ स्पीशी 1 द एनवायरमेंट वॉज डिफरेंट. एट द टाइम ऑफ स्पीशी 100 द एनवायरमेंट वॉज डिफरेंट. ओके, सो डिसेंट मीन्स यू नो आपके नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कि S1 की नेक्स्ट जनरेशन, S2, S3, S4 एंड सो ऑन. ओके, एंड मॉडिफिकेशन मीन्स यू मेक चेंजेस. ओके, एंड वेयर द चेंज इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग इन द जीन फ्रीक्वेंसी. नाउ व्हाट इज अ जीन फ्रीक्वेंसी? वेरी सिंपल, जीन्स आर यू कैन से द यू नो वेयर योर इंफॉर्मेशन इज कोडेड इन द सेल. ओके, एंड दिस इज द पार्ट जहाँ पे आपके बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है. फॉर एग्जाम्पल आपके बालों का कलर क्या होगा, आपके आंखों का कलर क्या होगा, यू नो आपके बॉडी में कितना फैट डिपॉजिट हो रहा है, या एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज देयर इन योर बॉडी ना, वो जीन्स में स्टोर होती है. एंड दीज जीन्स गेट पास्ड ऑन टू योर नेक्स्ट जनरेशंस व्हेन यू नो रिप्रोडक्शन हैपेंस. ओके, सो ओवर द टाइम दीज जीन्स यू नो दे ऑल्सो चेंज. ओके, बिकॉज यू नो यू हैव टू अडेप्ट टू न्यूअर एनवायरमेंट्स. ठीक है, सो यू नीड टू बी बेटर अडेप्टेड टू इट. ओके, सो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या था? इट वॉज अ ग्रेजुअल चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन. ओके, सो बाय द टाइम स्पीशी 1 स्पीशी 100 तक पहुंचेंगे ना, उनका जीन्स डिफरेंट हो चुका होगा. देयर वुड बी अ डिफरेंस इन देयर पॉपुलेशन. ओके, सो प्रमाइस क्या था इस एवोल्यूशन का? फर्स्ट कि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, ये तो हमने बात करी. ऑब्वियसली एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, एनवायरनमेंट इज नेवर स्टैटिक, राइट? सेकंड इज इनहेरेंट नीड टू चेंज टू एडजस्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द प्रमाइस ऑफ मेनी ऑफ द थ्योरीज दैट आर गोइंग टू कम इसके बाद. जैसे हम लेमार्क की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर डार्विन की थ्योरी हम फिर से पढ़ेंगे डिटेल में. सो दिस इज वन थिंग विच इज लाइक accepted by most scholars ki you know with changing environment there is an inherent tendency in humans to change themselves. Okay, to adapt to those changes. Okay, so us environment mein apne aap ko adapt karne ke liye there are changes. Okay, these changes lead to formation of new species. Aur ab wo keh raha hai ki yahi changes hain jo over time aapko new species bana dete hain. For example एप्स ने अलग तरीके से अपने आप को अडेप्ट किया. दो वी वर फ्रॉम अ सेम लाइन, वी डाइवर्ज्ड फ्रॉम अ सेम लाइन. जो हमारा एक यू नो लाइक एक प्रिमेट जो एक सेकेंड गाइस, या सो कोई जो प्रिमेट हमारा कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है, उससे मैन और एप लाइन अलग हुई. ठीक है, दो वी वर सिमिलर पीपल बट वी अडेप्टेड आर सेल्फ डिफरेंटली टू द चेंजिंग एनवायरमेंट. उसकी वजह से क्या आज हम एक स्पीशीज हैं? वी आर नो मोर वन स्पीशी, दो वी हैड अ कॉमन एंसेस्टर एट सम पॉइंट, राइट? सो दीज
changes, these adaptation to environmental changes makes you form a new species over time, right? And new species are always adapted better. So, यहाँ पे थोड़ा सा, you know, इनकी थ्योरी में जो इशू है जो हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे इन्होंने बोला न्यू स्पीशीज ऑलवेज अडैप्ट बेटर, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके, सो इसका हम आगे क्रिटिसिज्म वगैरह पढ़ेंगे, बिकॉज नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि बेसिकली व्हाट आर वी गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर, राइट? सो ये हम आगे जाके कवर करेंगे इन सब चीज़ों के क्रिटिसिजम्स इफ देयर आर एनी. एंड लास्ट पॉइंट है, ऑल प्रेजेंट डे स्पीशीज हैव कॉमन एंसेस्टर एट सम पॉइंट. या अगर इसको मुझे फनी तरीके से कोट करना है तो जैसे हम बोलते हैं कि सबसे पहले लाइफ क्या आया, मतलब व्हाट, मतलब ओरिजिनेटेड एल्गे हो सकता है, कुछ छोटा मोटा प्लांट्स हो सकते हैं. तो कहीं ना कहीं देखें तो एवरीथिंग हैज़ कम अप फ्रॉम दैट, यू नो, वन थिंग दैट हैड कम, राइट? या फिर अगर आपको बहुत रीसेंट देखना है तो एप्स और ह्यूमंस का एक कॉमन एंसेस्टर था. तो एवरी प्रेजेंट डे स्पीशी हैव अ कॉमन एंसेस्टर एट सम टाइम. Okay, let me just show you a chart for this. Yeah, so it'll be more clearer here. For example, हमने यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी की बात करी कि जैसे how the life got, you know, बिग बैंग थ्योरी के बाद लाइफ हमारी अर्थ बनी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है? उसके बाद हमारे प्रोक्रियोट्स आए, द प्रिमिटिव सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स काइंड ऑफ थिंग्स. देन यूक्रियोट्स आए, ठीक है? धीरे धीरे 600 मिलियन ईयर्स अगो प्लांट लाइफ आई, ठीक है? यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस बिकॉज ये आगे जाके अगेन अलॉट मोर डिटेल वी आर गोइंग टू कवर. दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? देन समवेयर अराउंड 420 मिलियन ईयर्स अगो फिशेज, देन एम्फीबियंस, देन मैमल्स, देन प्रिमेट्स एंड देन ह्यूमंस 1.8 मिलियन ईयर्स अगो. सो दिस इज जस्ट टू गिव यू हाउ यू नो we came along a similar path, okay? Same ek jagah se hum hue. So this is what we are talking about. This evolution we have to talk about. Yehi evolution jo hai, this is what we are reading, right? Okay. So now, methods to study organic evolution. Now, organic evolution hui hai. That means hum bol rahe hain ki there has been a common descent, okay? Hamare ancestors same the. या फिर देर हैज़ बीन समवेयर हम में कुछ सिमिलैरिटीज़ रही हैं. हाउ डू वी नो कि ऐसा हुआ था? हमने ऐसा कैसे पढ़ा या कैसे इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की? ये हमने ऐसे अंडरस्टैंड किया बिकॉज वी हैड डन दीज काइंड ऑफ स्टडीज़. फर्स्ट इज़ पेलियोन्टोलॉजी. पेलियोन्टोलॉजी क्या होता है? हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं. फॉसिल्स क्या होते हैं? द रेमिनिसेंट्स, जो हमको, मतलब जब हम, व्हेन वी डिग आउट, वी डू एक्सकेवेशंस एंड ऑल, वी गेट फॉसिल्स एंड थ्रू दोज फॉसिल्स एंड सिमिलैरिटीज इन दोज फॉसिल्स हमने पता करने की कोशिश करी कि ओके, मे बी देर वॉज अ सिमिलैरिटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आगे जाके हम स्टडी करेंगे अलग अलग सिवापिथिकस की, ड्रायोपिथिकस की, दीज ऑल स्कल्स जो 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 एग्जैक्टली ह्यूमन्स नहीं थे बट एप ह्यूमन लाइक क्रीचर्स थे. सो उनके ब्रेन में और हमारे ब्रेन में क्या सिमिलैरिटी है एंड ऑल ऑफ दैट, या उनके फेस स्ट्रक्चर में और हमारा. सो इससे हमें पता लगता था कि ओके, या ह्यूमन के भी कहीं ना कहीं यू नो जो एंसेस्टर थे वो ऐसे ही थे. ओके, सो पेलियंटोलॉजी इज़ वन. सेकेंड इज़ मॉलिक्यूलर मेथड्स. मॉलिक्यूलर मेथड क्या होता है? लाइक जो हमारी बॉडी के फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, यू नो, इसमें भी हमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी मिलती है इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन विद डिफरेंट स्पीशीज ऑफ कोर्स. देन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. एम्ब्रियो क्या होता है? जब भी यू नो व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, उससे पहले यू नो एक एम्ब्रियो बनता है एंड देन यू नो इट टेक्स अ शेप ऑफ अ चाइल्ड और अ बेबी. तो उसमें अभी इवन टुडे जो अर्ली एम्ब्रियो होता है ना ऑफ अ फिश एंड अ ह्यूमन, दे लुक सिमिलर. वो एक तरह से डेवलप होते हैं. सो दैट ऑल्सो गिव्स अस सम काइंड ऑफ एन आइडिया कि ओके, मे बी ह्यूमन्स वर लाइक यू नो कहीं फिश कॉमन, हमारा और फिशेज का कॉमन एंसेस्टर हो सकता है, राइट? देन टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या होती है? इज जस्ट योर प्लेसमेंट इन द एनिमल किंगडम, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एनिमल किंगडम हम पढ़ते हैं ना कि हम कहीं एक जगह से ही आए होंगे, तो उस क्लासिफिकेशन में
हम प्लेस्ड हैं विद विद अदर स्पीशीज लाइक एप्स एंड गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज, सो लाइक दैट. देन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी सिंपल कि जहाँ पे हमें इनके फॉसिल्स मिले ना, मतलब इन डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, नॉन होमिनिड स्पीशीज एंड हमारे यू नो प्रिमेट स्पीशीज के, हमें एक्सटिंक्ट प्रिमेट स्पीशीज के फॉसिल्स मिले, वहाँ पे हमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो जो हमें कनेक्ट करने की कोश कनेक्ट करने की हेल्प करती है कि ओके यू नो मे बी ह्यूमंस भी यहाँ से इवॉल्व हुए एंड यू नो आर नॉन होमिनिड प्रिमेट्स भी यहीं पे थे, हमारे एक्सटिंक्ट प्रिमेट्स भी यहीं थे. तो दैट गिव्स अस एन आइडिया कि यार ओके, जैसे हम बोलते हैं ना क्रैडल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी अफ्रीका से है, सो इन नॉन ह्यूमन प्रिमेट्स के भी सबसे पहले फॉसिल्स आपको वहीं मिलेंगे. सो ऑल ऑफ दैट ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया कि जहाँ जहाँ यू नो इनके फॉसिल्स मिले, ह्यूमन्स के अर्ली सेटलमेंट्स भी आपको वहीं मिले. राइट, सो लाइक दैट. देन साइटोजेनेटिक एविडेंस. साइटोजेनेटिक क्या होता है बेसिकली, हम इसमें क्रोमोजोम्स की स्टडी करते हैं. ओके, वी रीड अबाउट क्रोमोजोमल बिहेवियर ड्यूरिंग इट्स सेपरेशन फेज एंड यू नो जिसको माइटोसिस एंड मियोसिस फेज बोलते हैं, जब वो मतलब यू नो उनकी जो साइकिल होती है उसके बारे में. सो वो भी क्रोमोजोमल बिहेवियर भी ह्यूमंस का बहुत सारे अलग स्पीशीज के साथ मैच करता है. देन इम्यूनोलॉजिकल, इसमें क्या है, हम ह्यूमन के एल्ब्यूमिन प्रोटीन वगैरह की स्टडी करते हैं, विच इज़ लाइक सिमिलर टू चिंपैंजीज. चिंपैंजीज के साथ तो बहुत ज़्यादा सिमिलर, इट इज़ अबाउट 95% सिमिलर. ओके, देन गोरिल्लाज जिनसे उनसे भी 95% तक है, एंड गिबॉन से कहीं आपके 80% तक सिमिलर होता है. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. We are going to cover this chapter in 2 to 3 lectures because this is very important chapter, has a lot of weightage in each exam. So please do like, share and subscribe, and any doubts you can please pin down in the comment section box. I'll just see and try to reply all of you. And please guys do share, please subscribe them, or yeah, thank you so much.